ये दिलचस्प जो तस्वीर हमें नजर आती रहेगी। ठीक है राजीव, चलिए शुरुआत अब राजनीतिक मेहमानों के साथ में शुरू कर रही हूँ। सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ आ गए हैं। तो सिद्धार्थ, जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं राहुल गांधी अपने गठबंधन की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, और हो सकता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं इस बैठक के बाद, 12:30 के बाद, तो हो सकता है गठबंधन को लेकर भी ऐलान कर दे। देखिए पूजा जी, धारा 370 हटने के बाद राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर की बहुत याद आई, क्योंकि उससे पहले शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पाते होंगे जो उनके पार्टी ने, जो उनके परिवार ने जम्मू कश्मीर के साथ आजादी के बाद से किया। कभी नहीं वो सोच पाए कि वहां पे लाल चौक पे मैं तिरंगा फहराऊं या भारत जोड़ो या नया यात्रा को लेकर के मैं वहां पहुंच सकूं। पर अब सुशासन का एक राज है और वहां पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, जम्मू कश्मीर की प्रगति को प्राथमिकता देते हुए जिस प्रकार के बदलाव धारा 370 के बाद आए हैं, अब उनका जाना तो लाजमी है और जाएंगे भी और खुशी खुशी हाथ भी लहराएंगे और अपनी सुरक्षा की भी कोई चिंता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर आज स्थान पर पहुंचा है। मैं मानता हूं कि 370 हटने के बाद जिस प्रकार का एक डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट वहां पर हुआ है, हमने पहले वहां पर लोकल चुनाव देखे, फिर हमने अभी लोकसभा के चुनावों में बढ़ता हुआ मत प्रतिशत देखा और अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। वोट किसको जा रहा है, कौन पार्टी गेन कर रही है, ये अलग बातें हैं, पर अगर आप देश के लिए बात सोचेंगे तो जिस प्रकार से सिद्धार्थ 10% वोट कांग्रेस का बढ़ा, मैं तो पूजा जी यही कह रहा हूं, वोट किसको जा रहा है, किसका बढ़ा किसका घटा, हमको 2 लोकसभा मिली, हम भी वहां पर बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो सब बातें अलग है। मैंने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर की तो बात ही नहीं करी मैंने अभी। आज वहां पर वैली के अंदर लाइन लगा करके वोट डाली जा रही है, वहां पर देश का युवा, जम्मू कश्मीर का नौजवान निकल करके बाहर जमहूरियत के साथ खड़ा है, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, बुलेट को बैलेट से हराया जा रहा है। मैं मानता हूं ये देश की जीत है, आपकी हमारी जीत है, ये देश की सरकार की नीतियों की जीत है, जिसको देश के हर एक देशवासी को सेलिब्रेट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। जिस प्रकार की प्रगति की राह वहां पर हुई है, जैसे स्पेशल पैकेजेस केंद्र से वहां पर गए हैं, जिस प्रकार का डेवलपमेंट और जिस प्रकार का नौजवान को मुख्य धारा में जोड़ने की बात रही है, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर इस बार परिणामों में उसको झलकाएगा और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन गठबंधन की राजनीति पे तो काफी वहां पर हावी रहती है ना, जो स्थानीय पार्टियां हैं उनका जोर तो दिखता है। पिछली बार पीडीपी के साथ आप सरकार में आने में कामयाब रहे थे, सरकार बनाने में 2014 में। आप ध्यान है मुझे कि हावी रहते हैं, लोग कहा करते थे कि 370 हट गई तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, खून की नदियां बहेंगी, एक पत्थर नहीं चलता आजकल, शांति है नहीं है पसंद लोगों को, हुर्रियत के साथ चाय पीने वाले, उनको रेड कारपेट बिछा करके बुलाने वाले, प्रधानमंत्री स्तर पर हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात करने वाले नहीं है खुश, आज जानता हूं मैं, और प्रभाव भी अपना रखते हैं, रखना चाहते हैं, पड़ोस के देशों से भी आशा करते हैं उनको साथ मिलता रहे। अभी तो वहां के एक नेता ने, स्थानीय नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनका दबाव रहता है, उन्होंने तो ये तक स्टेटमेंट दे दी थी कि जो देश की सेना है वो घुसपैठ कराती है, देश की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि अब हमें कैसे लोग चाहिए, हमें ऐसे नेता चाहिए जो देश की सेना को गाली दे, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी को बढ़ावा दे, वहां के नौजवानों को पीछे धकेलने का काम करे। लेकिन जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही है सिद्धार्थ, इससे 2 से 2.5 महीनों में, ये भी तो कई सवाल खड़े कर रही है ना। निश्चित रूप से पूजा जी, और इस पर हमने कई बार चर्चा भी करी है, सेना ने भी कई बार अपना रुख दिया है, जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट वहां पर लोकसभा के चुनावों के बाद दिखा था, जो पार्टिसिपेशन दिखा था, निश्चित रूप से हमारे दुश्मन उससे खुश नहीं है, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि जहां जिन गलियों में पत्थरों की बौछार हुआ करती थी आज वहां वोट डालने के लिए लाइन लगा कर रही है। निश्चित रूप से बौखलाहट में कुछ घटनाएं बढ़ाने का प्रयास किया गया है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने का प्रयास किया गया है, और वैसा ही मुद्दा लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आ गए जिनकी चर्चाएं लगातार चल रही है, जिसको लेकर आज मीटिंग भी हो सकती है फारूक अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी की, तो चुनौती तो आपके लिए खड़ी हो जाएगी पूजा जी। 2 मेंढक साथ आ जाएं तो वो शेर नहीं बन जाते, अब वो साथ आए ना आए, वो जो चाहे वो वैसा करें, पर आज जम्मू कश्मीर किसके साथ खड़ा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो प्रगति के साथ खड़ा है, डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। तो राकेश शेट्टी साहब, प्रगति डेवलपमेंट के